गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीडू के प्रेडिक्शन। तो गाइस कैसे हो आप, उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे बिग बॉस लीग 2022 के 29 T20 मैच के बारे में। दोस्तों मैच होने वाला है पर्थ स्कॉर्चर्स और सिडनी थंडर के बीच में। दोस्तों अगर मैच की पूरी अपडेट चाहिए तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें, और आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते चले ताकि हर वीडियो की जानकारी आपको पूरी मिलती रहे। तो अब आगे बढ़ते हैं मैच की ओर। यह मैच होने वाला है 4 जनवरी को इंडिया टाइम के अनुसार शाम के 3:45 पर यह मैच स्टार्ट होगी। यह मैच खेली जाएगी पर्थ स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया में। अब बात करते हैं फिर दोनों टीमों का टीम फॉर्म चेक करते हैं, लास्ट 5 मैच में क्या क्या हुआ। पहली टीम पर्थ स्कॉर्चर्स की बात करें तो 5 मैच 4 मैच विन है, 1 मैच लॉस करके आ रही है। वहीं दूसरी टीम सिडनी थंडर की बात करें तो 5 मैच 3 मैच विन है और 2 मैच लॉस करके आ रही है। तो गाइस यहां पर टीम फॉर्म में पर्थ स्कॉर्चर्स आगे चल रही है। अब आगे बात करते हैं दोनों टीमों का हेड टू हेड चेक करते हैं लास्ट 10 मैचेज में। तो पहली टीम पर्थ स्कॉर्चर्स की बात करें तो पर्थ स्कॉर्चर्स 3 मैच जीत के आ रही है, वहीं सिडनी थंडर 7 मैच जीत के आ रही है। तो गाइस यहां पर देखने को मिल रहा है कि यहां पर हेड टू हेड में सिडनी थंडर आगे चल रही है। तब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, ज़्यादा देर न करते हुए दोनों टीमों का टीम कंपेरिजन करते हैं लास्ट 10 मैचेज में क्या क्या एक्सपेक्टेशन हो सकते हैं। तो पहली कंपेरिजन विनिंग परसेंटेज चेक करें तो पर्थ स्कॉर्चर्स का जहां 80% है तो वहीं सिडनी थंडर का 50% है। एवरेज स्कोर की बात करें तो पर्थ स्कॉर्चर्स का 161 है तो वहीं सिडनी थंडर का 141 है। वहीं हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो पर्थ स्कॉर्चर्स का 229 है तो वहीं सिडनी थंडर का 228 है। लोएस्ट स्कोर की बात करें तो पर्थ स्कॉर्चर्स का 127 है तो वहीं सिडनी थंडर का 15 है। तो ये रहे दोनों टीमों का टीम कंपेरिजन। बढ़ते हैं चलते हैं वेदर की ओर। आज का मैच में वेदर कैसी रहेगी तो सन्नी रहेगी, मौसम पूरी तरह क्लियर रहेगी। वहीं अगर सेल्सियस की बात करें तो 32.8 डिग्री सेल्सियस रहेगी। वहीं ह्यूमिडिटी देखें तो 17% रहेगी, वहीं 17% वर्षा होने की चांसेस रहेगी। तो ये रहे आज के मैच के वेदर की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स चलते हैं पिच की ओर। तो आज का मैच पिच पे कैसा होने वाला है, तो इस पिच का देखें तो फर्स्ट बैटिंग का एवरेज स्कोरिंग 157 होने वाली है। वहीं अगर इस पिच पे देखें तो टोटल अभी तक 27 मैच खेली गई, जो हर एक मैच काफ़ी ज़बरदस्त हुई है। वहीं अगर इस पिच पे देखें तो जो भी टीम टॉस जीतेगी थी बैटिंग करना इस पिच पे पसंद करेगी। इस पिच पे अधिकतर मैच डिफेंड हुई है। यहाँ पे पिच की सरफेस की बात कर लें तो यहाँ जो भी टीम टॉस जीत के बैटिंग करती है तो उस टीम के मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बन सकते हैं, क्योंकि इस पिच अधिकतर मैच डिफेंड हुई है। वहीं बॉलिंग करने वाली टीम को इस पिच पे चेस करनी काफ़ी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि जैसे जैसे ओवर बीतेंगे वैसे वैसे पिच काफ़ी सोली पिच होते चले जाएंगे। तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि टीम टॉस जीत के बैटिंग करे। तो अब आगे बात करते हैं दोनों टीमों का टीम परफॉर्मेंस चेक करते हैं। तो पहली टीम पर्थ स्कॉर्चर्स की बात करें तो नो डाउट काफ़ी अच्छी टीम है। तब से देखें तो काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस के साथ आ रही है। पिछले कुछ मैच में देखें तो काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। वहीं बैटिंग लाइनअप और बॉलिंग लाइनअप देखें तो दोनों का कम्बिनेशन भी ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी टीम सिडनी थंडर की बात करें तो नो डाउट अच्छी टीम है। पिछले सीजन के मुकाबले इस सीज़न में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिल रहा है। वहीं यहाँ पर सिडनी थंडर को अपना बॉलिंग सुधारने की ज़रूरत है और बैटिंग लगभग ठीक है। तो गाइस दोनों के बीच में मैच काफ़ी ज़बरदस्त होगा, इंटरेस्टिंग भी होगी और जैकपॉट भी संभावना बन सकती है यह मैच में, तो आप लोग जोर देखेगा। अब आगे बढ़ते हैं स्पेक्टेटर के विकेट बॉलर्स के फेवर में रहेंगे, वहीं बैटर्स स्ट्रगल करेंगे वेरिएबल बाउंस पे। तो फ्रेंड दोनों टीमों के की प्लेयर्स की बात करते हैं तो पहली टीम पर था स्कॉर्चर्स के की प्लेयर की बात करें तो जॉस इंग्लिश, एडम लीड, एस्टन टर्नर, एरोन हार्डी। वहीं दूसरी टीम सिडनी थंडर के की प्लेयर की बात करें तो एलेक्स हेल्स, एलेक्स रोज, डैनियल सैम्स, गुरिंदर साधु। ये रहे दोनों टीमों के की प्लेयर जो आज के मैच में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते फ्रेंड चलते हैं विनर की ओर। देखा जाए तो स्टैटिक्स को मद्देनजर रखते हुए पर्थ स्कॉर्चर्स हमारे हिसाब से स्ट्रॉन्ग टीम है और मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा लगता है। तो आप लोगों को क्या लगता है अपने व्यू को कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। और जाने से पहले दोस्तों लाइक से और सब्सक्राइब करना ना भूलना, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। ओके गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।